हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी लाइक हो रहा है 8 बज रहा है सुबह के, और हम लोग थोड़ा मोड़ा काम कर लिए हैं। लाइक भुंजिया बन गया है भिंडी का, सॉरी बार बार भिंडी क्यों आ रहा है, अति करेला का, क्योंकि मैं करेला का भुंजिया नहीं खाती हूँ, बहुत रेयर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, कड़वा कड़वा लगता है। लेकिन मम्मी जी को करेला उनका फेवरेट है ना। और रोटी बन चुका है, बाद में दोपहर में बनेगा कुछ और खाना। ये क्या कर रही है, ना खाया जाएगा, छी ऐसे खाया जाए, इसे जो छील लेती है एप्पल। क्या तरीका आपका, तो ऐसा ऐसा हरकत रहता है ना कि हम पहली बार ऐसे प्राणी से हम पहली बार मिले हैं, बता नहीं सकते। खाएगा पपीता काटे। सो और अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रूट्स खाने। लाइक क्या क्या है, पपीता है और गुआवा है, आजकल गुआवा का सीज़न बहुत है तो गुआवा भी है। और बारिश भी हो गया तो गुआवा खाना नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह हो जाता है, बट फिर भी है तो खा लेते हैं। और ये एप्पल है, लेट्स ईट। खाइएगा पपीता काटे। अब मम्मी जी खा रही है एप्पल, वो क्या करती है, खाती है और उसका जो ये पार्ट होता है ना छिलका, उसको फेंक देती है। वही तो इम्पोर्टेंट होता है। अंदर आपके कंठ में कुछ है क्या कि अंदर नहीं जाता है? कहाँ गया चाकू? पपीता मंगवाना पड़ेगा, खत्म हो गया, ये आज लास्ट है। खाइए ना, एप्पल अच्छा होता है खाना। खाइए, जैसे खा रही है वैसे ही खाइए, एटलीस्ट खाइए। जा रही हूँ मैं इसका पानी चेंज करने। क्या हुआ था ना, मैं बहुत दिन से नहीं थी तो घर पे, तो मम्मी जी इसका पानी चेंज नहीं की थी, इसी वजह से ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। बट अभी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पर, देख सकते हैं ये सब ये हो गया था, तो इसका मैं चेंज कर देती हूँ पानी। एक सेकेंड एक एक कर पी ले जाना पड़ेगा। तो मैं कर दी हूँ और आप देख सकते हैं पानी चेंज करने के बाद और इसको वॉश करने में काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगता है। और एक मनी प्लांट का ना ये टूट गया था, तो मैं इसको रख दी थी पानी में, तो इसमें नया नया लीफ आ रहा है, आप देख सकते हैं। सो पानी में रखने का मतलब, पानी में अगर रखते हैं मनी प्लांट तो बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है इसका। सो एज यू कैन सी क्यूट लग रहा है, अच्छा लगता है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स से ज़्यादा बेटर मेरे को ओरिजिनल लगता है, बट ओरिजिनल रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी होता है, इसीलिए तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल है और ये थोड़ा थोड़ा ओरिजिनल में रख देती हूँ। सो अभी हो गया शाम, लाइक 4 बज रहा है और आज ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, लाइक थोड़ा बहुत, और लेकिन वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा था। और अभी मम्मी जी लगी हुई है काम है, तो यहाँ कट रहा है परवल, परवल का भुंजिया बनेगा और रोटी रात में। मम्मी जी परवल का भुंजिया नहीं खाती है, उनके लिए करेला का भुंजिया है, वही खाएंगे, है ना, उनको वही अच्छा लगता है, परवल का भुंजिया नहीं अच्छा लगता। और आप देख सकते हैं वेदर थोड़ा सा, छत पर वो गमला टूट गया ना, उसको उसका रख देंगे दूसरे ही है, मैंने तो फिर वो सारा मिट्टी दह जाएगा ना, तो परसा कहाँ मिट्टी दह जाएगा तो कब रखेंगे फिर, वो प्लास्टिक में रख दिए हैं, देख लिया उसको, ठीक है। उसको गमला में रख देते हैं, देख लिया प्लास्टिक के बनाने, जाइएगा उधर तो हमको बोल दीजिएगा, हम छत ही पे ना, जाइएगा उधर तो बोल दीजिएगा मेरे को, आप जाइएगा उधर तो बोल बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे नीचे, उधर जाइएगा ना आप, नहीं जाइएगा, देख लीजिए बता दीजिएगा। एक्चुअली क्या हुआ है कि मम्मी जी को याद नहीं है कि पूजा कैसे होता है, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है और वो पूरा तैयारी कर रही है, कहाँ से पता लगाया जाए कि कैसे कैसे पूजा होता है बगल वाली से, इसीलिए। और आज पूजा था लेकिन आज नहीं हुआ, अब 10 तारीख को होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता है जिसके वजह से कैंसिल हो गया, अब 10 तारीख को होगा, तो लेट्स सी हो जाएगा। मम्मी जी अभी टाइम है ना, आज 3 ही तारीख है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब अभी तो 7 दिन है, अभी पूछिएगा ना तो फिर भुला जाइएगा, समझिए, हमको बता दीजिएगा, हम याद रखेंगे।
नहीं तो अभी पूछिएगा तो फिर 7 दिन में भुला जाइएगा। वो थोड़ा सा बताई थी, वो याद है? हाँ बड़ा याद है, याद रखिए ऐसे ही जा रहे छत पे। अरे इतना कुछ लगा कि छप्पा चाव जो पड़े छे कि अभी आटा के फिर इनका एक बार पूरा पूछ लीजिएगा कि स्टार्टिंग से कैसे होता है, मतलब शुरुआत में क्या होता है, फिर वो क्या होता है भगवान जी के खोज। ओ माने नानी से अपन है ना कि बने कपड़ा पर चाव के हाथी के हल्दी के सारे जगह अलग अलग होता है, पूछ लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं चढ़ता है, उस बार भी हम थे याद था, लेकिन आप हमको लेके गई नहीं तो हमको याद भी नहीं है। तो है ना पूछे ना दिया, फिर गेरुआ मेरा बाल देखिए गेरुआ चढ़े छे कि ना चढ़े छे पूछ लीजिएगा एक बार अच्छे से। As you can see वेदर ऐसे ही था आज पूरा दिन, वेदर एकदम ऐसे ही था आज पूरा दिन, वेदर एकदम ठंडा ठंडा सा। और आप देख सकते हैं ये जो मेरा पौधा, मतलब ये जो मेरा फ्लावर पॉट है टूट गया था। क्या हुआ कि मैं ही इसको ना ज़ोर से ऐसे पुश कर दी थी इसी वजह से। और ये सब है, बहुत दिन हो गया, ये सब पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस पे देखिए पूरा घास वगैरह निकल गया है, और भी क्लीनिंग करना। और ये जो मेरा कड़ी पत्ता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, अभी इसको इसमें भी बहुत बड़ा हो गया। और ये भी ठीक ही है, और इसको ना कोई कीड़ा खा गया है, पता है इसका पत्ता आप देख सकते हैं थोड़ा कटा कटा सा होगा, को कुछ कीड़ा होगा लाइक इस टाइप से जो कीड़ा लगता है वो आई गेस। और ये सब तो पहले से ही सूखा हुआ था, तो इसमें ना बहुत सारा ये है नया नया स्नेक प्लांट में, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे बहुत सारा नया नया छोटा छोटा उसका बेबी आया है। सो एज़ यू कैन सी, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं इसको ना साइड रख दी हूँ, ये जो है ना ये पूरा सड़ गया है, ये एलोवेरा। आई डोंट नो कुछ वजह के कारण या कीड़ा वगैरह लगने के कारण सड़ गया होगा, तो इसको मैं साइड में रख दी हूँ। एक्चुअली ज़्यादा पौधा नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे तो रहती नहीं हूँ, कभी यहाँ रहती हूँ कभी पटना तो कभी नरकटियागंज, इसलिए बहुत थोड़ा सा ही मैं पौधा लगाई हूँ। और मम्मी जी आखिर कितना ख्याल रखेंगी, उनको भी बहुत सारा काम हो जाता है अकेले, इसी वजह से थोड़ा ही बहुत जस्ट काम चलाओ मैं पौधा रखी हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है। लाइक मैं कड़ी पत्ता यूज़ करती हूँ, एलोवेरा यूज़ करती हूँ, और ये सब तो था इसलिए मैं लगा दी, ज़्यादा नहीं। तो ये सब पे मैं आजकल ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट इट्स ओके, जब मैं यहाँ पे परमानेंटली रहूँगी तब मैं बहुत सारा ध्यान देने वाली, बहुत सारा पौधा लगाने वाली हूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल यही सब है। इट्स ओके, लेट्स सी। तो मैं क्या की हूँ ना कि इसको साइड कर दी हूँ इसमें से निकाल के, और वो जो उसका मिट्टी था वो इसको ढक दी हूँ, क्योंकि बारिश के वजह से ना वो सब फिर बाहर मतलब चला जाएगा इधर उधर, और उसको ना मैं सुखा के यूज़ करूँगी अच्छे से। और फ़िलहाल तो मैं इसी में डाल रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई पॉट है नहीं, कुछ प्लास्टिक ऐसा कंटेनर जिसे मैं रख दूँ। इसमें मैं बहुत बड़ा बड़ा होल करती हूँ ताकि जो भी मिट्टी है सॉरी जो भी पानी है वो निकल जाए, और एक लेयर सैंड का भी मैं डाल दी हूँ, और ये सब इसका था तो वही मैं डाल दी हूँ। यहाँ पे पत्थर भी रखा जा सकता है लेकिन मेरे पास पत्थर अभी नहीं है इसीलिए, और इसको मैं रख देती हूँ जल्दी से। और थोड़ा सा ना मैं सैंड भी इसमें मिक्स कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये खेत वाला मिट्टी है। और देख सकते हैं इसको मैं रख रही हूँ इसी में, एक सेकेंड। सो एज यू कैन सी मैं रख दी इसको जैसा भी रखाया है, इट्स ओके। और देख रहे हैं बारिश भी आ गया, जल्दी से जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं इस ये सबको बाद में करूँगी क्योंकि आजकल तो बारिश आ ही जा रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है ये सब का ये करने का। तो ये जैसे भी रखाया है इट्स ओके। और ये सब करने के बाद हाँ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बट इट्स ओके, सब चीज़ तो ज़रूरी है ना। सो एज यू कैन सी मेरा इसी तरीके से हुआ है, बट इट्स ओके। अब ये सब मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ प्लास्टिक में, इसको कहीं साइड में रखना पड़ेगा।
इधर, और ये सब जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो रख देती हूँ मैं प्लास्टिक में, नहीं तो ये सब ना फिर पानी के साथ कहीं चला जाएगा बह के, इसलिए बारिश भी आ गया बहुत ज़ोर से, ज़ोर से नहीं आया थोड़ा आया, बस आने ही वाला है। काफ़ी ज़्यादा छत गंदा हो गया, बट इट्स ओके, मैं साफ़ करूँगी बाद में, पर ये सब तो बाद में, अभी क्लीनिंग होगा क्योंकि बारिश आ गया, आप देख सकते हैं बारिश आ गया, और इसको ढक दिया गया ताकि इसका भी मिट्टी कहीं बह के ना चला जाए, इसीलिए। सो इतना प्लांट का केयर करने में ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बट इट्स ओके, और मैं रेगुलर रहती नहीं हूँ ना इसी वजह से, तो अचानक से आप एक महीना बाद केयर कीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट इट्स ओके। अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, एज यू कैन सी तबीयत भी ख़राब हो जाएगा भीगने से। सो यहाँ पे आया है प्याज बहुत सारा खरीदा के, दस के जी हो गया, पाँच के जी, ओ एक ही में नहीं रखा जाएगा, हाँ तो अब बारिश का है ना, अब याद है जब 100 रुपए के जी हुआ था प्याज, आप सुनी थी ना एक बार हुआ था ना, क्या अथी क्या करती थी मम्मी जी, प्याज नहीं डालती थी क्या सब्जी ये सब में, एक ही प्याज डालती होगी तो चीज में रहतो, लेकिन हाँ उस बार तो हद हो गया था ना, देख लीजिएगा कुछ सड़ा हुआ होगा तो निकाल दीजिएगा अभी, नहीं तो ऐसे तो लग नहीं रहा है। आलू नहीं चुनी आप, चुन ली सब दौड़ी के उजीर उजीर के बोरा पर सब के चुन ली, फिर वही में रख दे, कहाँ फेंकी, इसको थोड़ा और पीछे घसका के ये करती ना, हाँ पीछे घुस कर उजीर बोरा।